Education and we are here to provide you a better learning. In today's video, we are going to discuss fundamental theorem of arithmetic. But वो discuss करने से पहले हमें देखना है factor tree. हम factors का पेड़ कैसे बनाएंगे, ठीक है? कोई भी हमारे पास number है, उस number के हमें क्या find out करने हैं, factors find out करने हैं, और उन factors का क्या बनाना है, एक पेड़ बनाना है, ठीक है? इसलिए उसको बोला है factor tree. तो कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं. तो हमने एक नंबर लिया है यहाँ पे 24, ठीक, एक नंबर हमने लिया है 24. हमें क्या करना है, इस 24 के फैक्टर्स का एक पेड़ बनाना है. तो 24 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2, ठीक है? तो 24 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है हमारे पास 2. तो जब 2 से हम इस 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना हमारे पास बचेगा, मतलब क्या तो आंसर आएगा, 12. तो ये हमारे पास 12 यहाँ पे आ गया, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, फिर से हमें क्या करना है, इसको इसका फैक्टर देखना है. तो इसका फैक्टर क्या होगा, सबसे छोटा वाला फिर से 2 होगा. तो 2 यहाँ पे कितना हमारे पास आ जाएगा, 6. दैट मीन्स 2 के टेबल में 12 6 बार. फिर यहाँ पे क्या होगा, अगेन 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 3. अब हमें यहाँ पे एंड कर देना है. हम कब तक इसको इस तरीके से लिखेंगे, जब तक कि हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं आ जाता है, प्राइम नंबर नहीं आ जाता है. तो इसके कुछ वर्किंग रूल्स हैं, ठीक है? रूल 1, पहला रूल हमारे पास क्या है कि हमें स्टार्ट करना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से या स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से, हम कह सकते हैं जो भी अपन नंबर ले रहे हैं उस नंबर का जो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है हमें क्या करना है, वहीं से स्टार्ट करना है. सेकेंड हमारे पास ये है कि हमेशा प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर ऑलवेज ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फैक्टर ट्री, ठीक है? ये जो ट्री है ना, इस ट्री का हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड पे ही प्राइम नंबर आना चाहिए. देखो 2 2 2, हमेशा क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे ही प्राइम नंबर आ रहा है. नाउ नेक्स्ट, थर्ड जो हमारे पास रूल है, थर्ड रूल क्या है, डू नॉट स्विच टू नेक्स्ट प्राइम नंबर इफ इट स्टिल डिवाइड्स बाय सेम प्राइम नंबर. मतलब क्या है यार, मतलब ये है कि जैसे यहां देखिए, मैंने सबसे छोटा नंबर प्राइम फैक्टर लिया था 2 से इसको डिवाइड किया, क्या आया, 12 आया. अब 12 जो हो रहा है फिर से डिवाइड हो रहा है ना 2 से, तो फिर से डिवाइड हो रहा है 2 से, इसलिए हमने 2 से डिवाइड करके क्या निकाला, 6. अब 6 फिर से डिवाइड हो रहा है 2 से. तो जब तक यहां वाला नंबर एक सेम प्राइम नंबर से डिवाइड होगा तब तक हमें उसे डिवाइड करना है. ऐसा नहीं है कि ये वाला तो यार 3 से भी तो होता है तो हम डायरेक्ट 3 पे आ जाए, नहीं आ सकते. क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि ये नंबर अभी भी किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है. तो हमने वही बोला है कि हम दूसरे प्राइम नंबर पर स्विच नहीं करेंगे जब तक कि यहाँ पर जो नंबर आ रहा है वो सेम प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है. तो इस तरीके से आपको क्या करना है, किसी भी नंबर का आप फैक्टर ट्री बना सकते हैं, ठीक है? जो भी नंबर है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या लिखना है, प्राइम नंबर लिखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल कहां से स्टार्ट करना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर फैक्टर जो है उससे स्टार्ट करना है. उस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करना है, कितना आंसर आता है वो हमेशा, जो भी आंसर आएगा वो हमेशा राइट हैंड साइड, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं जो हमारा फैक्टर है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड. 12 आया, फिर 12 का जो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर अगेन 2 आ रहा है, 2 से इसको डिवाइड किया आंसर आया 6, फिर 2 से इसको डिवाइड किया आंसर आया 3. तो ये प्रोसेस अपन कब तक करेंगे, जब तक कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या नहीं आ जाता है, प्राइम नंबर नहीं आता, सॉरी राइट हैंड साइड पे प्राइम नंबर नहीं आ जाता है. यहाँ देखिए, अभी तक सारे नंबर्स
लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहे थे, यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या आ गया है, प्राइम नंबर आ गया। जब ये आ जाएगा तो हमें स्टॉप कर देना है। तो ये जो हमारा बना है, ये जो हमारा बना है, इसी को हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स का पेड़। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फैक्टर का पेड़ हो गया। सो नेक्स्ट देखते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या बोल रहा है ये थ्योरम, ये थ्योरम बोल रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। हमें क्या बोला गया है कि कोई भी कंपोजिट नंबर्स हो, उन कंपोजिट नंबर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, उनके जो प्राइम फैक्टर्स है उसके प्रोडक्ट में हम उसे लिख सकते हैं। और ये जो फैक्टराइजेशन रहेगा हमेशा क्या रहेगा, यूनिक रहेगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। दैट मीन्स यार 2 into 3 है, 3 into 2 लिख दो तो भी वो क्या रहेगा, हमारे पास यूनिक ही रहेगा। तो कैसे यार, अभी हमने फैक्टर ट्री बनाया था 24 का, तो 24 का फैक्टर ट्री हमने बनाया था, वहाँ पे क्या निकले थे, उसके सारे प्राइम फैक्टर्स हमारे पास निकले थे ना। तो वो क्या है, 24 को अपन ने काय के फॉर्म में वहाँ पे बताया था, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। बस हमने क्या किया था ना, उसको प्रोडक्ट में नहीं लिखा था। तो कैसे हम लिखेंगे, देखो हम एग्जांपल ले रहे हैं, या छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 12। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है 12। 12 का हम फैक्टर ट्री बनाते हैं तो ये होगा 2, क्योंकि इसका स्मॉलेस्ट फैक्टर 2 है, प्राइम फैक्टर। 2 से 12 को डिवाइड करेंगे क्या हमें मिलेगा, 6। फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा हमें, 3। तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा फैक्टर ट्री, क्योंकि ये हमारे पास क्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया। तो या तो हम फैक्टर्स ऐसे निकालें बाय यूजिंग फैक्टर ट्री, या फिर ये वही हमारी पुरानी मेथड फैक्टर्स फाइंड आउट करने का, 12, 2 से डिवाइड किया 6, ठीक है, फिर 2 से डिवाइड किया 3, फिर 3 से डिवाइड किया 1। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, 12 को कैसे हम लिख सकते हैं, 12 is equal 2 into 2 into 3। 12 is composite number, 2 prime 3 prime, और बीच में क्या लगा हुआ है, product। तो यही तो बोला है यार उसने कि हम composite number को कैसे लिख सकते हैं, written as product of primes। composite number written as product of primes, product of primes हमने लिख दिया। तो या तो इसको ऐसे लिखिए, या फिर हम कैसे लिखेंगे, 12 is equal 2 raised to the power 2 into 3। तो ये फैक्टराइजेशन क्या है, यूनिक है। 12 का फैक्टराइजेशन जब 2 raised to the power 2 into 3 है तो किसी और का थोड़ी होगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से, ये जो है वो क्या कहलाती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो नेक्स्ट नंबर हम ले रहे हैं 230। ठीक है, ये हमारे पास नंबर हो गया 230। तो इसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2। हमने इसको 2 से डिवाइड किया, क्या हमें मिलेगा, 115। फिर 115 के लिए प्राइम फैक्टर देखो छोटा वाला, तो क्या हो जाएगा, 2 से तो डिवाइड होने से रहा, तो इसका प्राइम फैक्टर होगा हमारे पास क्या, 5, है ना, 3 से भी नहीं होगा ये, तो 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 23। अब 23 क्या है, खुद प्राइम है, तो आगे होगा क्या, नहीं होगा। तो आगे नहीं होगा तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 230 को इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, है ना। तो 230 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 into 5 into 23, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ऐसे लिखिए। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट अपन लेते हैं 1001। ठीक है, ये हमने एक नंबर ले लिया, इसको काय से डिवाइड करें अपन, मतलब जो इसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर होगा वो है 7। तो जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, 143। ठीक है, क्या मिला, 143। अब 143 का क्या देखना है हमें, फिर से स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर देखना है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर इसका हो जाएगा 11। ठीक है, 11। अब 11 से इसको डिवाइड करेंगे, आएगा 13। तो यहाँ पे देखिए यही खत्म हो जाएगा, क्योंकि 13 क्या है, प्राइम नंबर है, तो खत्म हो गया। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1001 को 1001।
इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 7 × 1 = 11 × 13, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉम्पोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो ये क्या कहलाती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहलाता है। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, या तो हमें डायरेक्ट दे दिया जाता है कि कोई भी एक नंबर दे दिया उसके उसको प्राइम फैक्टर्स में डिनोट कीजिए, अदरवाइज कैसा, हमें फैक्टर ट्री यहाँ पे बना के दे दिया और फैक्टर ट्री बना के हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स मिसिंग कर दिए, जैसे यहाँ पे ये वाला नंबर मिसिंग हो गया, तो हमें ये बताना है कि यहाँ पे नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ पे नंबर कौन सा होगा यार, वैसे पता चल रहा है ना कि इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 115 आएगा, या फिर ये वाला नंबर दिया हुआ है ये वाला नंबर मिसिंग कर दिया, तो अब इसको इससे डिवाइड कर लीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अगर आपको फैक्टर ट्री बनाते आता है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो ना, जो मिसिंग नंबर्स यहाँ पे आएंगे वो मिसिंग नंबर्स भी क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे हटा दिया जाता कि यहाँ पे हमें नहीं पता क्या है, आप यहाँ पे लिखिए, तो सिंपल सा क्या करना था, 143 को डिवाइड करो 13 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 11 आ जाएगा, तो ये हमारा मिसिंग नंबर फाइंड आउट हो गया। या फिर ऐसा कर दिया जाता है कि ये सारे नंबर्स हमें दे दिए जाते हैं, ये सारे नंबर्स हमें दे दिए जाते हैं और ये वाला हटा दीजिए, तो 6 × 2 करेंगे, क्योंकि इस नंबर को जब हमने इससे डिवाइड किया तो ये आया है, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है ना, कहीं पे भी कुछ भी मिसिंग कर दिया जाता है यहाँ पे, और वो मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करके लिखना होता है। तो अगर फैक्टर ट्री बनाते आता है तो मिसिंग नंबर तो आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। सो ये था हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो होप सो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आर वीडियो एंड कीप वॉचिंग आर वीडियोज़।